हेलो स्टूडेंट्स, एसएसडीएन प्रोजेक्ट्स में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम जो फाइल देख रहे हैं ये अकॉर्डिंग टू कट जो हम डिफरेंशिएट करते हैं फाइल को वो देख रहे हैं। कट के अकॉर्डिंग एक फाइल जो हमारे पास रखी हुई है वो सिंगल कट है और दूसरी फाइल जो है डबल कट है। स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न होता है ये चेक करने में, ये देखने में कि अगर ये दोनों फाइल मुझे दे दी जाए तो इसमें से कौन सी फाइल सिंगल कट है और कौन सी फाइल डबल कट है। तो सिंगल कट फाइल और डबल कट फाइल को कैसे पहचानते हैं, उनके क्या यूज़ होते हैं, इन दोनों चीज़ों को हम देखेंगे इस वीडियो में। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो कृपया इन जो वीडियो हैं हम जो बना रहे हैं आपके लिए इन्हें लाइक करें। ये आप देख सकते हैं ये हमारी डबल कट फाइल हैगी। इसमें आप देख सकते हैं ये जो एंगल क्रिएट किया गया हुआ हैगा, यहाँ से आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं यहाँ से इसमें ये, फिर दूसरा कट यहाँ से स्टार्ट किया गया है इसका। तो ये जो एंगल होता हैगा ये अलग अलग फाइलों में अलग अलग तरह का होता है। किसी में आपको 55 मिलेगा, 65 मिलेगा, 75 मिलेगा, लेकिन ये कट इसलिए बनाए जाते हैंगे इसका जो उभार होता हैगा जब आप वर्क करते हैं, वर्क पीस में आप बहुत ज़्यादा मटेरियल को कट करते हैं। कट करने के दौरान क्या होता है, जब हमारे ऊपरी टीथ जो घिस जाते हैं तो हमारे जो निचले टीथ होते हैंगे वो वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि जो आपकी फाइल हैगी लॉन्ग टर्म तक आपके काम आती हैगी और आप इससे बहुत ज़्यादा कार्य कर सकते हैं। उसी अकॉर्डिंग जो आपकी सिंगल कट फाइल होती है, जब आप देख सकते हैं कि इसमें एक तरह का ही कट बना हुआ, मतलब इसके टीथ की जो संख्या है वो एक तरफ से ही दी गई है, चाहे इसमें आप 95 देख सकते हैं या आप इसे 55 देख सकते हैं, ये अलग अलग जगह में आपको अलग अलग तरीके से मिल सकते हैं अकॉर्डिंग अ वर्क। इन सभी का अपना एक कार्य होता है। जब मटेरियल को ज़्यादा हिस्से में कट करना है या तेज़ी से आप इसे अलग करना चाहते हैं उस जगह पर आपको सिंगल कट फाइल का यूज़ करना होता है, क्योंकि ये एक बार में बहुत ज़्यादा, मतलब डबल कट फाइल से कहीं ज़्यादा मटेरियल को बाहर निकालने के काम आती हैगी। लेकिन इसमें सिंगल कट ही होता हैगा, इस वजह से ये ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक वर्क नहीं करेगी। कार्य ये जरूर करेगी, जब तक इसमें सिंगल कट टीथ है तब तक ये वर्क करेगी, मगर ये टीथ अगर ख़राब हो जाए या घिस जाए तो आप इसे रिपेयर नहीं कर सकते, आप इसे बना नहीं सकते। इसलिए फिर आपकी फाइल दोबारा रिपेयरिंग के लिए आपको इसे भेजनी पड़ेगी, आपको इसकी जगह दूसरी फाइल लेनी पड़ेगी। एक बार फिर से दोनों फाइल आपके सामने रखी हुई हैं। दोनों फाइल्स को आसपास रखकर आपको बता देते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये जो कट दिख रहे हैं आपको, मेरा जो नाखून आप देख रहे हैं ये चल रहा है, ये सिंगल कट है। देखिए एक ही सीधा कट लगा हुआ है, ये सिंगल कट है। वहीं आप अगर इसे देख रहे हैं तो देखिए ये एक डायमंड पैटर्न बन रहा है। ये मेरा नाखून जा रहा है सीधे, एक कट ये लगे हुए हैं और दूसरे कट जो जा रहे हैं ये देख सकते हैं आप, और पास से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, दूसरा कट जो जा रहा है वो ये जा रहा है। तो ये सिंगल कट है और इसी के जस्ट बाजू में, सॉरी ये डबल कट है और इसी के जस्ट बाजू में सिंगल कट है। दोनों चीज़ों में आप अंतर देख सकते हैं, एक है सिंगल कट फाइल ये और एक है डबल कट फाइल ये। पहचानने का तरीका, एक से कट दिख रहे हैं आपको, ये कट देख पा रहे हैं आप, मैं अपने नाखून कोन पर चला रहा हूँ, ये सिंगल कट और यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप देखेंगे ये मेरा नाखून जो है एक जगह पर जाकर रुकता है जहाँ पर वो दूसरा कट का है। तो ये एक पूरा कट है, एक कट ये और दूसरा कट ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये दूसरा कट है। तो ये बेसिक डिफरेंस है सिंगल कट और डबल कट फाइल के बीच में। यूज़ और उपयोग आप देख चुके हैं कि क्या हमें करना होता है। धन्यवाद।